तो माशाल्लाह आप जो ना इसके हाथ बिल्कुल ठीक हो गए हैं। दूसरा हाथ दिखाओ, आप ठीक हो गए ना? ठीक हो गए। तो गाइस डेली बेसिस पे जो ना ये क्रीम लगा रही है हाथों पे, आप जो ना माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो गए। अस्सलाम वालेकुम। हाँ ये ज़्यादा बेहतर है, पहले वाला देखा ना ये डार्क था ना, हाँ ये थोड़ा सा ना डार्क था। अभी मैं आई हूँ कपड़े डालने, तो पहले जो सूखे हुए कपड़े हैं वो उतार लेते हैं, उसके बाद जो बेडशीट जो थी वो डालते हैं, और उसके बाद हम परिंदों का दाना पानी भी डालते हैं। सारा दिन धूप नहीं निकली और अभी भी सूरज जो है बादलों के पीछे छुपा हुआ है, तो यहाँ पर मैंने दाना और पानी भी डाल दिए, और यहाँ पर मैंने सारे कपड़े डाल लिए, जो बेडशीट थी वो सारी मैंने डाल ली हैं, और कुछ कपड़े थे हल्के हल्के गीले थे तो वो कपड़े मैंने यहाँ पर डाल लिए ताकि थोड़ी देर के जल्दी से सूख जाए। तो अभी ये सामान और ये टब उठाते हैं, नीचे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे माई टू फैमिली, उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैंने पहना ये वाला सूट, बहुत ही प्यारा लग रहा है। आप सब लोग बताइएगा कि कैसा लग रहा है, जो भी आज की रूटीन होगी वो भी आप सब लोग शेयर करेंगे। तो पहले चलते हैं छत पर कपड़े देखने, कपड़े सूख चुके हैं या नहीं, क्योंकि ज़्यादा धूप से कपड़े ख़राब हो जाते हैं, उनका कलर जो होता है वो ख़राब हो जाता है। तो अभी चलते हैं छत पर देखते हैं कपड़े सूखे हैं कि नहीं। Few moments later. हाँ जी ठीक लग रहा है, रेडी हो गई हैं? हाँ रेडी हो गई जी। वैसे अभी जो ना मेरे ख्याल से मैचिंग हो रही है, आपका दुपट्टा और मेरी जो ना शर्ट सेम टू सेम है, और मोबाइल का कवर भी। वाह भाई क्या बात है जी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग, और उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। रोजा कैसा रहा आपका? अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा जी। तो गाइस आज जैसा कि वेडनेसडे है और मेरी थी ऑफिस से छुट्टी, वैसे मंडे होती, मंडे नहीं हुई, ट्यूजडे नहीं हुई, वेडनेसडे फाइनली छुट्टी हो गई। तो अभी इफ्तारी के बाद हम जा रहे हैं फाइनली शॉपिंग के लिए, क्योंकि ईद बहुत करीब है और अभी तक हमने कुछ भी शॉपिंग नहीं की। तो आज जो है ना फर्स्ट डे है, हम शॉपिंग के लिए निकल रहे हैं। अब आने वाले व्लॉग्स में आपको शॉपिंग ही शॉपिंग दिखेगी ईद तक। अच्छा जी सीन ऐसा है गाइज, मसले की बात है मेरे लिए, क्योंकि जो है ना अभी ना टेलर्स ने कपड़े लेना बंद कर दिए हैं, और अब जो है ना मुझे फर्स्ट डे पे कमी शलवार पहननी है, और जो मैं रेडीमेड कुर्ता नहीं पहनता, ना ही रेडीमेड कमी शलवार पहनता हूँ। तो अब जो है ना मुझे टेलर ढूंढना पड़ेगा, कोई अच्छा सा टेलर, प्यारा सा टेलर, प्यारा मोहब्बत दिखाए और मेरे कपड़े एक्सेप्ट करे, और एक जो है ना कमिश्नर मुझे बना के दे दे, ताकि आपका भाई जो ना पहले दिन कमिश्नर पहने और सुबह सुबह नमाज़े ईद अदा करे। और आपका भाई फिलहाल जो ना मार्केट जा रहा है, मार्केट जो है ना वहाँ पर जाके शॉपिंग करेगा। फिलहाल जो ना आज शॉपिंग जो ना हम फातिमा ना मेरे लिए कर रहे हैं, आज जिनके लिए करें वो आपको बताएंगे और दिखाएंगे भी, और मार्केट जाके आपको भी जो ना विजिट करवाएंगे। तो खैर अभी जल्दी से निकलते हैं, और चैनल पर जितने भी नए आने वाले व्यूवर्स हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं गाइज आप सबसे मार्केट पहुँच के। आ जाओ अंदर, इसको करते हैं लॉक। अच्छा जी मार्केट जाने से पहले हमें कैश निकलवाना है, तो अभी हम निकलवाने आए कैश, कार्ड आपके पास है? तो गाइज ये आजकल मेरी बैंक बनी है, कार्ड कैश सब कुछ जो ना इसके पास होता है। कौन सा वाला? ब्लैक वाला। अच्छा सारे कार्ड इसके पास है ना, और पैसे भी आपने विड्रॉ करने? ये ब्लैक। चलो भाई कार्ड पहले आप डालो, दिखाओ कैसे डाल रहे हो। चलो भाई कार्ड डालो, चिप वाली साइड आगे की तरफ होगी। हाँ पुश करो करो करो, कुछ नहीं होता, करो जा के निरा, चला गया। कोड याद है? याद है ना? चलो भाई अगर आज आपने फर्स्ट अटेम्प्ट पे निकाला ना, तो आज जो है ना मेरी तरफ से आपको आइसक्रीम है। अच्छा फर्स्ट अटेम्प्ट पे निकाला तो आप कोड डालें, बोले कोड ये नहीं गाइस, इसको मेरा कोड ही याद है, मोबाइल का भी कोड भूल जाती है, पेटीएम का भी भूल जाती है, ऐसी मेरी बोली वाइज है। फर्स्ट ऑप्शन नो इसलिए कह रहा था क्योंकि ना रिसीव डिवाइस मिलती है ना, तो उसके भी चार्जेस होते हैं। तो कभी भी इनवाइस या रिसीव का ऑप्शन है ना, नो कर देना भाई। आपने फर्स्ट अटैम्प पे जो ना कैश विड्रॉ कर लिए, कार्ड निकालें, अब जो है ना कैश आएगा। आजा भाई प्लीज़ टेक योर कार्ड, वेयर इज़ आवर कैश। चलो ये कैश भी आ गया गाइस, निकाल लो।
सही है, सही है। चलें हाँ काउंट कर लें, काउंट कर लें। ये रिसीप भी आ गई गाइस, चलो ठीक है ये रिसीप। चलें अभी ये वॉलेट में रख दें। चलें जी कैश निकलवाया था वो निकलवा लिया है और अब निकलते हैं एटीएम से बाहर और जाते हुए फातिमा के लिए मेडिसिन भी लेनी है सामने स्टोर से, तो जाते हुए जो ना रिमाइंड करवाएगा आपको मेडिसिन भी लेनी है ठीक है। तो गाइस फातिमा के हाथों में कुछ दिनों पहले इन्फेक्शन होता तो माशाल्लाह आप जो ना इसके हाथ बिल्कुल ठीक हो गए हैं। दूसरा हाथ दिखाओ, अब ठीक हो गए ना? तो गाइस डेली बेसिस पे जो ना ये क्रीम लगा रही है हाथों पे, अब जो ना माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो गए। तो गाइस मार्केट गए हैं पहुंच और हम आए हैं तीन तलवार के पास मार्केट से, एक का नाम CTC है और दूसरी गल्फ है और तीसरी मेट्रो है। तो अभी सबसे पहले CTC जा रहे हैं और ये एक्सप्लोर करते हैं पहले ठीक से, फिर जो ना आगे की तरफ मेट्रो भी है और फिर गल्फ भी है। तो ये तीन तलवार के पास मार्केट लिक्विडेड है। तो गाइस मार्केट में ना फातिमा को शर्म आती है इसलिए ना हमने मास्क वेयर कर लिए ताकि फातिमा ना शर्माए ना। तो गाइस ये पूरी ना लेडीज़ मार्केट है तो मुझे ना व्लॉग बनाते हुए ना बहुत ख्याल रखना पड़ रहा है क्योंकि आगे पीछे लेडीज़ ही लेडीज़ हैं। तो खैर यहाँ पर मेरे एक दोस्त भी हैं जानने वाले, तो उनकी शॉप ढूंढते कहाँ पर, लास्ट टाइम वो हमें कहाँ मिले थे, उनकी शॉप बंद है भाई। ये शॉप थी मेरे ख्याल से, शॉप तो बंद है उनकी। चलो आगे की तरफ चलते हैं ढूंढते हैं उनको। भाई यहाँ पर जो ना ज़्यादातर शॉप बंद दिख रही हैं। वाह भाई फातिमा ने ढूंढ लिया, तो वो भाई सामने बैठे हुए हैं, तो ये हमारे एरिया के हैं और मेरे सलाम दो इनसे, तो इनके पास चलते हैं। तो गाइज अभी हम एक शॉप आए हैं और यहाँ पर बहुत ही प्यारी प्यारी कलेक्शंस हैं। तो इस मार्केट में जो अभी मुझे लेके आए इस शॉप पे वो मेरे स्कूल फ्रेंड के भाई हैं, मतलब उनके भाई जो ना मेरे क्लासमेट थे और वो उनके छोटे भाई हैं, तो वो यहाँ पर लेके आए हैं और यहाँ पर जो ना बहुत ही प्यारी प्यारी कलेक्शन हैं। तो अब यहाँ से जो ना डिसाइड करते हैं, तो यहाँ पर जो ना एक जो है ना ये वाला मुझे भी पसंद आया, फातिमा भी पसंद आया, और फातिमा ने जो कवाली नाइट पे पहना था कपड़ा वो सेम ये वाला था ग्रीन कलर का, यही था ना सेम कलर था ना जो आपने कवाली नाइट पे वेयर किया था। अभी आप बताएं कौन सा वाला ले लें, ये कलर तो मुझे प्यारा लगा है, ये कर लें कपड़ा भी अच्छा है ना जी। तो गाइज ये खादी नेट है, तो इनके पास जितने भी कलेक्शन है ना कपड़े की ये सारे खादी नेट के हैं और इनकी दो शॉप से यहाँ पर जो ना अनस्टिच मिलता है और आगे की तरफ ना रेडीमेड मिलता है। तो गाइज ये भी जो ना डिज़ाइन बहुत ही प्यारा लग रहा है, ये कैसे लग रहा है आपको? ये भी प्यारा, प्यारा है। और इसके अलावा वो वाला दिखा ना ये वाला, हाँ ये वाला दिखाना, ये लाइट पिंक है, ये अच्छा डिज़ाइन है। ये कैसे लग रहा है आपको? ये ज़्यादा प्यारा लग रहा है या ये वाला? ये डार्क है वो लाइट है भाई, आप बताओ। तो ज़्यादा वोट इसको गए तो कह रहे हैं भाई ये वाला ज़्यादा अच्छा है। चलें फिर एक ये वाला कर लेते हैं, ये वाला, हाँ ये वाला सेम है वो वाला वो जो वहाँ पर लगा हुआ है, हाँ ये वाला दिखाएगा। दोनों सेम ही लग रहे हैं या डिफरेंट? डिफरेंट है, अच्छा कलर सेम है ना, डिज़ाइन दोनों के डिफरेंट है ना। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा बहुत ही है, 19-20 का फ़र्क है। गाइज एक और कलर जो है ना मुझे बहुत प्यारा लग रहा है, ये पिंक वाला, ये पिंक वाला भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। लाला ये पिंक वाला दिखाएगा, हाँ ये वाला। वैसे सबके मोस्टली डिज़ाइन सेम है लेकिन कलर डिफरेंट है, कलर डिफरेंट है। ये भी अच्छा लग रहा है मुझे, हाँ जी आप बताएं। अच्छा ये कैसा है? अच्छा यही प्यारा कलर है ना जी। तो ज़्यादातर मुझे लाइट कलर प्यारे लग रहे हैं, डार्क में सिर्फ मुझे वो पिंक कलर ज़्यादा प्यारा लगा है। अच्छा तो गाइस जिस मार्केट में हम बैठे हुए CTC मार्केट है और यहाँ पर जो ना हमने तीन सूट फाइनल किए हैं और तीनों जो ना 3 पीस हैं, दुपट्टा शर्ट और शलवार। चलें जी हमारे सूट्स जो है ना पैक हो गए, बहुत शुक्रिया लाला, फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़। तो गाइस मेरे जो क्लासमेट थे ना वो सामने खड़े हुए हैं मोबाइल में लगे हुए हैं, इनको डराते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे भाई? कैसे आप? ठीक है और वो सर क्या होते हैं पता ही नहीं था मुझे यार,
देरी होते हैं हमारी शॉप से, बहुत आपको छोटा भाई मिला ना तो मुझे तब पता चला बहुत अपसेट। तो गाइस ड्रेसेस हमने यहाँ से ले लिए, तो मैचिंग की चूड़ियाँ लेने के लिए हमें जो ना आगे मार्केट मेट्रो वहाँ जाना पड़ेगा। और यहाँ पर देखें गाइस किस तरह रौनक लगाई हुई है। वैसे अभी मार्केट में इतना रश नहीं है क्योंकि वीकडे ना, वीकेंड पे तो भाई पाँव रखने की जगह नहीं होती मार्केट में। तो अभी इस मार्केट से निकले हैं तो हमें सामने जाना है तीन तलवार की तरफ, और तीन तलवार से पहले जो ना मेट्रो मार्केट आएगी। तो गाइस एक सीन बता दूं मैं आपको, हम ड्रेसेस देख रहे थे तो एक लेडी आई, उन्होंने फातिमा नाम दिया ना, तब उनके साथ शायद फातिमा थी, तो वो जो हम ड्रेसेस देख रहे थे उसकी तरफ इशारा किया, तो मुझे ऐसा लगा शायद वो फातिमा को कह रही है, उन्होंने पहचान लिया शायद हमारे सब्सक्राइबर हैं, तो फातिमा को कह रही है कि भाई ये वाला ड्रेस अच्छा ये वाला लो। फिर बाद में जो ना सामने भाई जो शॉप वाले थे ना, उन्होंने कहा कि उनके साथ जो लड़की थी ना वो भी फातिमा थी, तो वो उनको आवाज़ दे के बता रही थी, तो हमें ऐसा लगा शायद फातिमा को कॉल किया, फातिमा को बता रही कि भाई ये ड्रेस लो, तो भाई ये सीन हुआ। तो गाइस पिछली वाली मार्केट में इतना रश नहीं था, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ है, तो हमें जो ना मेन रोड से जाना पड़ रहा है क्योंकि उस साइड पर ना लेडीज़ का बहुत ज़्यादा रश है, तो इसलिए ना हम मेन रोड से चल रहे हैं। तो गाइस यहाँ पर रोड के बीच ना चूड़ियों के स्टॉल लगे हुए हैं और यहाँ से ज्वेलरीज वगैरह मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर जो ना चूड़ियों की तरफ बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ है। तो यहाँ पर भी चूड़ियों का स्टॉल लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो ना मैचिंग की चूड़ियाँ दिख नहीं रही, तो आगे चलते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा कलेक्शन हो। तो गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं मेट्रो टावर मार्केट, जहाँ से हमने जो है ना मैचिंग की चूड़ियाँ लेनी है, और यहाँ पर जो मेकअप का सामान वगैरह मिल रहा है। तो गाइस इस शॉप से जो ना काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है चूड़ियों की और काफ़ी मज़ेदार लग रही हैं। अब ये तो फातिमा को पता होगा भाई, हमें ढूंढना बड़ा मुश्किल रहे, तो अंकल से कहते हैं अंकल जो ना इसके मैचिंग की जो ना चूड़ियाँ निकाल के दे देंगे। तो अंकल अभी ढूंढने में लगे हुए हैं मैचिंग की चूड़ियाँ मेरे ख्याल। चलो भाई ये वाली तो मैच हो रही है, ये ही मैच हो गई है, और आखिरी जो ना पिंक वाले के साथ भी जो ना मैचिंग की चूड़ियाँ मिल गई हैं, बताएं सही है कौन सी वाली। हाँ ये ज़्यादा बेहतर है, पहले वाले देखा ना ये डार्क था ना, हाँ ये थोड़ा सा ना डार्क था, मिला नहीं फिर ये, मैं कहा चल लाइनिंग की वजह से वो मैच कर जाएगा, ये ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे ना तो उसमें शेप का पता चलेगा। सही है, ये सेम है, ये परफेक्टली मैच है, परफेक्ट मैच हो रहा है भाई। और ये भी ऐसे पता चलता है चले भाई हमें भी जो ना एक्सपीरियंस हो रहा है, सीखने को मिल रहा है, चले अगर ऐसी बात हो तो ये देखें सही मैच हो रहा है भाई। और ये भी जो ना ये थोड़ा अच्छा, इसमें दो ऑप्शन होते हैं, एक तो जैसे हम लोग डार्क, ये थोड़ा डार्क है ये, हाँ नहीं होता ही डार्क है, डार्क यूज़ करते हैं, अदरवाइज फिर हम लोग ये यूज़ करते हैं इसके साथ। ये कौन सा है, सिल्वर, सिल्वर सिल्वर वो बेटर था मेरे ख्याल से, पहले वाला, पहले वाला ज़्यादा बेटर लग रहा था क्योंकि आप कलर यूज़ कर रहे हैं ना, तो कलर के साथ डार्क कलर यूज़ कर रहे हैं तो वो ज़्यादा अच्छा ही लगता है। और डार्क कलर जो इसमें आता है ना वो डार्क कलर ये होता है, मैंने इसी वजह से मैं करीब कर लेता हूँ, मैंने इस वजह से ये नहीं थी, मैंने आपको ये दिया, ये ज़्यादा बेटर लग रहा है ना, लाइट बेटर लग रहा है, लाइट बेटर लग रहा है। दो दो चीज़ें होना, एक में पसंद करना थोड़ा आसान हो जाता है, इसलिए मैंने दोनों आपको दिखाया। अच्छा अंकल मेहंदी दिख रही है यहाँ पर, मेहंदी देखते हैं आप, बेस्ट है, बेस्ट मेहंदी, कौन सी मेहंदी है, बेस्ट मेहंदी है, कौन सा कलर है, ये ब्राइडल कौन है, और सबसे बड़ी अच्छी बात इसमें ये कि चेक कर सकते हैं। अच्छा लगा, अच्छा पापा ने पूछा भाई चेक कर सकते हैं अंकल ने बताया कि पूरी लगा लो, कलर तो बेस्ट है इसका, बहुत शानदार ब्राइट ब्राइट कलर, व्लॉग में दिखाएंगे क्या बात है, ये तीन दे दें फिर। अच्छा मतलब एक तो काफ़ी होता है ना, एक काफ़ी होती है माशाल्लाह, एक काफ़ी होती है, एक्सपर्ट बच्चियाँ होती हैं ना उसके अंदर ये चीज़ होती है कि वो दो में यूटिलाइज कर लेते हैं, हाँ जी ये वो वेस्ट नहीं करती, वेस्ट नहीं करती। अच्छा ये फ़ौरन उतारी और ये थोड़ी देर से उतारी, तो इससे क्या आइडिया होता है आपको, मुझे तो आइडिया नहीं, कलर तेज है डाके, ड्यूरेशन थोड़ी सी ज़्यादा होती है इन स्टोन की क्योंकि इसमें थोड़ा केमिकल की एमरेज कम होती है। अच्छा ये ऑर्गेनिक है, बराबर होती है, उसमें खास तरह की खाल होती है, उसको कूट के पीस के बनाया जाता है। अच्छा खास तरह का फार्मूला होता है जो हमको बताते तो नहीं है, सही लेकिन आप बता रहे हैं, थैंक यू सो मच, ये है ना कि आपने बता दिया कि सबको पता होना चाहिए केमिकल क्या होता है, फार्मूला क्या होता है। चलें तो जी अंकल काफ़ी कोऑपरेटिव हैं, अंकल ने काफ़ी जो है हमारी हेल्प आउट की मैचिंग में भी, और दूसरा मेहंदी भी जो ना काफ़ी अच्छी क्वालिटी की दे रहे हैं। आप ये एक ऑर्गेनिक होती है ना, ये ऑर्गेनिक होती है जो केमिकल कम यूज होती है, केमिकल से पाक होती है, केमिकल फ्री होती है, केमिकल फ्री होती है, और जो उसके अंदर जो ये रंगत जो आपको जाहिर हो रही है ना, उस रंगत का मतलब ये है कि इसके अंदर ऐसे अज्जा शामिल किए गए हैं जो केमिकल से पाक है, जो रंग रंग रंगीन को, क्योंकि बच्चों के पास आजकल इतना वक्त नहीं होता, तो तेजी के साथ थोड़ा सा रंग पाक के उसमें आते हैं। चले सही,
थैंक यू सो मच अंकल, हमें इतना अच्छे से गाइड करते हुए, इतना अच्छा डील करते हुए बहुत खुशी हुई। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपके पास आएंगे। गाइस ये पूरी मार्केट है, यहाँ से मेकअप का सामान वगैरह भी मिल रहा है, और इस साइड पे जो ना बच्चों के ड्रेसेस भी हैं और बड़ों के भी ड्रेसेस हैं भाई, और यहाँ पर जो ज्वेलरी वगैरह मिल रही है। ड्रेसेस हमने लिए हैं CTC मार्केट से, और इसके अलावा चूड़ियाँ वगैरह और मेहंदी वगैरह हम ले रहे हैं मेट्रो मार्केट से, और इसके अलावा एक और मार्केट भी आगे की तरफ गल्फ मार्केट। तो ये तीनों मार्केट जो है ना तीन तलवार के पास लोकेटेड हैं। तो गाइस पसीने निकल गए मार्केट में, इतनी गर्मी है। तो अंकल बहुत नाइस थे, यहाँ से आपने गोलगप्पे खाने, तो सामने गोलगप्पे भी मिल रहे हैं खाने। गोलगप्पे कैसे मना कर सकते भाई फातिमा, तो यहाँ से हम गोलगप्पे खा लेते हैं। और कुछ लेने? और गाइस टोकरियाँ लेनी है, वो यहाँ से नहीं मिलेंगी, तो टोकरियों के लिए कहीं और जाना पड़ेगा, तो वो देखते हैं। फिलहाल जो ना हम गोलगप्पे खा लेते हैं। तो गाइस ये सामने मार्केट है मेट्रो टावर, जहाँ से अभी हम निकले हैं, और ये क्लिफ्टन ब्लॉक 8 में लोकेटेड है। तो फातिमा के जो ना खट्टे गोलगप्पे थे, और मेरे लिए बन रहे मीठे वाले। चलो भाई ये गोलगप्पे ऊपर रख लेने, क्योंकि यहाँ पर कोई टेबल वगैरह नहीं है, तो ऊपर रख लेते हैं और आराम से ना यहाँ खड़े होकर ना खा लेते हैं। अच्छा जी, अभी हम जो ना बाइक निकालने के लिए आगे की तरफ आए हैं, क्योंकि हमने जो फर्स्ट मार्केट से शॉपिंग की थी ना, वहीं पर बाइक पार्क की थी, और सामने मार्केट जो ना बिल्कुल क्लोज हो गई है, लाइटें चाटें बंद कर दी हैं। तो खैर अभी हम भी यहाँ से निकलने लगे हैं। तो गाइस ये है दो तलवार, जहाँ हम गए थे वो तीन तलवार थी, उससे थोड़ा सा आगे आओ तो ये दो तलवार आ गई। तो गाइस घर जाते हुए आए हैं हम, खड्डा मार्केट में स्टोर है एमिस, यहाँ से हमने फार्मेसी से फातिमा के लिए क्रीम और लोशन लेना है। तो गाइस जो मुझे क्रीम चाहिए थे वो यहाँ पर अन अवेलेबल है फार्मेसी में। तो खैर फातिमा से कमिटमेंट की थी कि कैश विदड्रॉ करवाने पे आइसक्रीम जो है ना इसे गिफ्ट करूँगा। आपको याद है आपकी आइसक्रीम? अभी याद आई है, ऐसी चीज़ें याद रखा करो, आपकी आइसक्रीम आपको याद नहीं थी? आपको याद थी ना? हाँ मुझे याद थी भाई। तो गाइस यहाँ पर फार्मेसी मार्ट और जो है ना सब्जियाँ भी मिल रही होती हैं, और फ्रूट भी मिल रहे थे भाई, तो यहाँ से भाई उठा लो जो भी आपको आइसक्रीम चाहिए। ये उस दिन आमिर भाई कुल्फा आए थे, बहुत मज़ेदार था ना ये वाला, मीठा बहुत था। अच्छा मीठा बहुत था, बहुत मीठा था। तो ले लो भाई आपने जो भी लेनी है, आगे भी देखिए मेरे ख्याल से। तो फातिमा कह रही है यहाँ से हमेशा लेते, तो यहाँ से उठानी नहीं, ये वाली अच्छी लगती है। बस ये लेनी है जी, आपने खानी? नहीं मैंने नहीं खानी। चलो बंद कर दूँ जी? चलो भाई इसको बंद कर देते हैं। तो गाइस शॉपिंग जो की थी वो सामान हमने काउंटर में जो है ना सबमिट करवाए, और यहाँ से आइसक्रीम उठाई है। बाकी जो है ना क्रीम के लिए अभी मुझे जाना पड़ेगा दिल्ली कॉलोनी साइड, वहाँ से जो ना क्रीम मिलेगी फातिमा के जो हाथों में लगती है। चलें तो जी घर पहुंच के फौरन से मैं रेडी हूँ मैच पे जाने के लिए, क्योंकि आज जो है ना बड़े अरसे बाद मैच खेलने जा रहा हूँ। वैसे रमजान में ना गाइस एक दिन भी जिम नहीं किया, जिम जो ना पूरी जो ना स्किप हो गई, लेकिन रमजान के बाद इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। लेकिन मैचेस जो ना मैंने कोई 4-5 मरतबा खेले, आज भी कोई 5वीं मरतबा खेलने जा रहा हूँ। तो ये है कि फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए जिंदगी में, फिटनेस लाजमी है। अच्छा मुझे बताएं मैच खेलने के बाद आपकी क्रीम लानी है और क्या लाना है? क्रीम नहीं लाइएगा क्योंकि हाल तो ठीक हो गया मेरे। नहीं फिर भी एक दो दिन और कर लें ताकि कोर्स पूरा हो जाए, बाद में जो गिला शिकवा ना रहे, ऐसा ना हो कि एक दो दिन स्किप करने फिर से वैसे ही हो जाए। आपको जो कोर्स का है ना 4-5 दिनों का वो कंप्लीट कर लें। तो क्रीम ले आऊँगा, इसके अलावा कुछ और लाना है शरीर के लिए, कुछ और खाना पीना है? नहीं बाहर से कुछ नहीं लाना, काफी दिनों से आप बाहर का खा रहे हैं और मुझे भी खिला रहे हैं और लेकर आ जाते हैं। अच्छा मैं खा रहा हूँ और मैं खिला रहा हूँ, अभी गोलगप्पे किसी फरमाइश कहते हैं? हाँ गोलगप्पे तो उसमें कौन सा चिकन होती है, तो उससे कौन सा पेट भर के बंदा खाता है, थोड़ा सा खाता है बस। अच्छा अभी कुछ लाने सहरी के लिए? बस दही लाएगा क्योंकि दही खत्म हो गई है, सुबह मैं बना दूंगी दही। आप भी ऐसी चीज बोले ना जिसकी डिमांड ना पूरी हाई होती है, क्योंकि सहरी के टाइम दही पत्नी मिले नहीं मिले, मैं कोशिश करूंगा ले आऊं। दही रखी नहीं हुई जो आपने इतनी सारी बनाई थी? दही 2 दिन भी नहीं ठहरी क्योंकि मैंने ना प्याले भर भर के खाए। क्योंकि गाइस मैं ना दही का दुश्मन हूँ, खासतौर पर दही ना मुझे बहुत पसंद है। आप मुझे नाश्ते में दे दें, खाने में दे दें, या रात को दे दें, अगर दही नहीं खाता तो फिर रायता बनवा लेता हूँ, लेकिन दही का ना मैं सही वाला दुश्मन हूँ। ठीक है फिर मैं जो ना दही लेके आऊंगा और बाकी कुछ नहीं लेना, मतलब जी कुछ नहीं लाना। अब कहते हैं कि मैं नहीं लाऊंगा, फिर आप लेकर ही आ जाते हैं? नहीं नहीं आप पक्का नहीं लाऊंगा, अब जो पक्की बात है अगर लेकर आए तो नहीं लाऊंगा। अब मुझे भी ना ईद से पहले कंट्रोल करना है अपनी डाइट पे, थोड़ा जो ना फिट होना है, स्मार्ट होना है। मतलब ईद पे फिर आप खाएंगे? ईद पे तो खाऊंगा ना, ईद पे कौन सी डाइटिंग होती है, ईद पे जरा मीठा शीठा बनाएंगे या तो उसके बाद ना पूरा दिन खाते पीते रहेंगे। चलें ठीक है फिर मिलते हैं, ठीक है।
जी ख्याल से जाइएगा, ख्याल से आइएगा। ओके मेरी बेगम जरूर। एक तो गाइस जब भी दरवाजा ये ना थोड़ा सा हिलाओ ना आवाज सुनेगा। इसमें ना ऑयल डालना पड़ेगा, ऑयल डालेंगे ना तो फिर इसकी ना चीपा खत्म होगी। हाँ बाकी सारे दरवाजे गाइस ऐसे हैं, सारे दरवाजे ना चीपा करते हैं। अब देखें गाइस ये देखें, अभी इस दरवाजे को भी हिलाओगे ना ये देखें ये भी चीपा कर रहे हैं। बस ये वाला थोड़ा सा सही है, ये नहीं करता चीपा, ये भी भाई स्टार्ट हो गया भाई, ये भी जो ना उन दरवाजों को देख के ना खराब हो गए। चलो ओके अल्लाह हाफिज़। ओके बाय बाय। तो यहाँ पर आमिर भाई साहब जो है रात को पानी भी सप्लाई करें और वीडियो कॉल पे बात भी करें। हाँ वीडियो कॉल पे हमारे साथ खरबूजा बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम कैसे हो? हेलो भाई वालेकुम सलाम ठीक भैया। अच्छा बात सुनो बात सुनो, खरबूजा खरबूजा तो मैं उधर रंग तुम्हारे भाई ने बदले हुए। ये भी सही कह रहा है भाई, बाबर कह रहे हैं भाई खरबूजा तो मैं हूँ रंग तुम्हारे भाई ने बदले में। चलो भाई मैं जा रहा हूँ ठीक है, मिलते फिर भाई। सही है तुम जा भाई। चक्कर लगाओ यार तुम, यार चक्कर ही नहीं लगाते आजकल, पत्नी कहाँ गायब हो भाई? क्या लगा है मैच पे लेके जाते वहाँ पे खिलाते नहीं हो, कहाँ जाए? नहीं नहीं अपनी टीम बनाएंगे ना, फिर अपनी टीम जो ना अपने प्लेयर्स खेलेंगे। सही है, रमजान निकल के आप कब खिलाओगे भाई? रमजान के बाद अंदान सिद्दीकी के घर के पास खेलेंगे ना इंशाल्लाह संडे को। चलो भाई चलो बाय बाय। इस जैसे प्लेयर तो टाइम काम आते ना। चलो भाई बाय बाय बाबर। हाँ भाई उस दिन मैं तालियां बजा के। ओके चलो बाय बाय, मिलते फिर इंशाल्लाह। तो गाइस बाबर से जो है मजाक मस्ती चलती रहती है। ये देखो भाई पड़ोसियों को भी उठा दिया आमिर, ये बैठा भाई। तो गाइस रमजान में रात भर क्रिकेट चलती रहती है और यहाँ पर जो है ना बच्चे खेल रहे हैं और सही तक ना क्रिकेट चलती रहती है। और अभी मैं जहाँ खेलने जा रहा हूँ वो घड़ा मार्केट में ही जगह है, जहाँ से अभी आइसक्रीम ली थी उसके बिल्कुल पास ही जो ना ग्राउंड है। तो ये देखिए जना बच्चे जो ना क्रिकेट खेल रहे हैं। अच्छा जी आज हम यहाँ पर खेलने आए हैं और यहाँ पर जो ना काफ़ी सारे कोर्ट्स बने हुए हैं, जैसा कि यहाँ पर बैडमिंटन और टेनिस कोर्ट है। फिलहाल ये जो ना टेनिस खेल रहे हैं और यहाँ पर क्रिकेट चल रही है। तो ये क्रिकेट का जो ना बड़ा वाला कोर्ट है, मतलब दो कोर्ट्स हैं, ये बड़ा वाला है और हम जहाँ खेलेंगे वो छोटा वाला है। और भाई कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुना क्या है आज जीतने का मूड? जीतने का मूड है यार, आप तो हमारी टीम में हो, आप तो ऐसी बातें नहीं करो। हम तो साथ थे। हम तो सेम टीम में। अच्छा भाई हम जिस कोर्ट में खेलेंगे ना वो आगे वाला है, ये लॉन्ग कोर्ट है और वो जो ना आगे वाला छोटा कोर्ट है। मेरे ख्याल से इन्होंने किट वगैरह की है तो ये कोई टूर्नामेंट खेल रहे हैं। तो गाइस ये चेक करें नेट के ऊपर कितनी बॉलें फंसी हुई हैं, ये चेक करें भाई फुटबॉल भी वही फंसी हुई ऊपर। गाइस आगे वाले कोर्ट में भी जो ना काफ़ी सारी बॉल फंसी हुई हैं, बोल के वहाँ पर जो ना एक ऊपर फुटबॉल फंसी हुई है। तो भाई जिसने ऊपर चढ़ के निकाली ना उसके तो मजे ही मजे हैं भाई, ये कोई 15-20 बॉल्स होंगे। ये देखें गाइस ये सारी बॉल्स फंसी हुई हैं। तो गाइस इस वक्त 2 बजे हैं और यहाँ पर जो ना बुकिंग होती है, तो इनकी बुकिंग जो ना 2 बजे तक थी लेकिन जो ना इनका अभी तक मैच ख़त्म हुआ तो हम बाहर वेट कर रहे हैं। तो अब इनके 2 ओवर रह गए तो मेरा ख्याल है ये 2:15 तक कंप्लीट करेंगे अपना मैच, तो फिर हमारा टाइम जो ना 2:15 से स्टार्ट होगा। वैसे 2 बजे का टाइम था, इनको 2 बजे कंप्लीट कर लेना चाहिए था मैच। भाई भाऊ की टीम में हमें बहुत आला यार, उतार यार शूट बॉल, ओ गुड शॉट, बॉल भी अच्छा था वैसे। नो नो बॉल है, नो बंद कर दे मैच। अरे बाबा तुम भी ऐसा करेगा? आइए भी शाबाश शाबा यार मामा, नो नहीं है ये साइड एंगल से तो क्या छोड़ दे ऐसे ही हम। ओए अलाओगे अभी? हां अब ये नहीं अलाउ, एक ओवर कितने चाहिए? मेरे भाई आओ ना, मेरे भाई ठीक है मैं चला रहा हूं, सोचो इसको दो। हां नौ रन चाहिए। अगर नहीं हो मैं तो हां मिस करते आ जाना, नौ चाहिए ना, नौ चाहिए। अरे यार गालियां क्यों नहीं दे रहे? सर वीडियो को नहीं है। यहाँ पर जो ना मैच खत्म हो चुका है और हमारी टीम फाइनल मैच जीत चुकी है और यहाँ पर जो ना हंसी मजाक चल रहे अगेंस्ट टीम को जो ना तंग किए जा रहे हैं। लाइट्स ऑफ हो गई हैं और ग्राउंड जो है ना क्लोज हो गया है।
तो अभी सहरी का टाइम करीब है तो हम भी यहाँ से निकलने लगे। बहुत मजा आया, बहुत अच्छी एक्टिविटी हुई। वालेकुम सलाम, कैसे हो भाई, खैरियत से हो? जी आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। भाई कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, बता दीजिए कहाँ गए थे? बताती हूँ आपको। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं भाभी? और आपके लिए मैं लाई हूँ आइसक्रीम। पहले आप आइसक्रीम ले लें, उसके बाद मैं आपको भी बताती हूँ कहाँ गए थे। गाइस ये आइसक्रीम एक ही नजर आ रही है, एक नजर आ रही है, दो होनी चाहिए थी। एक नजर आ रही है, एक आइसक्रीम नजर आ रही है गाइस, एक बाहर हो गई। नहीं मुझे लग रहा है ये एक लाई है और एक ही लाई है। वो चले हम हाफ हाफ कर दें। नहीं हाफ हाफ नहीं, दो लानी चाहिए थी ना, एक क्यों लेकर आए? कोई बात नहीं, होता है, नेक्स्ट टाइम इसका शोरमा कैंसिल। कोई बात नहीं, होता है। खाओ खाओ। वैसे आप बताए आप कहाँ गए थे? हम गए थे सदर मार्केट। अच्छा, वो फ्रूट लाने के लिए अफतारी के लिए ना। अच्छा, यहाँ से अम्मी लाती है, कभी मैं लाता हूँ। अम्मी कह रही थी परसों बहुत महंगे मिल रहे थे। अच्छा, तो मैं लाया हूँ सब कुछ सस्ता सस्ता। अच्छा, और कटवा के चेक करके भी लाया हूँ। आपके भी मैं आइसक्रीम लाई हूँ। अच्छा, मैं आपका रिएक्शन देख रही थी, आपने क्या कहना है? आपकी वैसे मैं लाई स्केल लाना, जो जैसे मैं बच्चों को मारता हूँ स्टूडेंट्स को, बोला स्केल लाना। जब पढ़ेगी ना आइसक्रीम दूंगी, आप मुझे नहीं मारिएगा। आइसक्रीम भी दूंगा और मारूंगा भी, और 4000 फीस भी दूंगा। ये कहाँ का रूल है? जैसे ये मजाक हुआ खेल रही हूँ प्रेंकिया प्रेंकिया, ये इसका रूल है। क्या वो एक साल पहले क्या था वो भी अभी तक याद है? कौन सा? वो जो मैंने बोला था मैं आपकी कौन नहीं लाया मेहंदी जी, एक ही प्रैंक किया था मेरे गले में आया अभी तक। नहीं उसके अलावा भी हमने बहुत सारे प्रैंक किए मेरे साथ। कौन सा और प्रैंक कर दिया? अब मुझे याद नहीं, लेकिन बहुत सारे किए। चलो भाई अभी सहरी का टाइम हो गया, अम्मी वाले को उठाओगी या बाद में उठाएंगे? अम्मी हाँ उठाते हैं अभी, अम्मी वालों को। आपको भी आइसक्रीम देती हूँ, सब्र रखो, लाती हूँ। मैं पहले आपकी आइसक्रीम दे दूँ आपको? नहीं अभी नहीं, क्यों? आराम से छत बैठ के ठंडी छाव एंजॉय करूंगा। चले फिर फ्रिज में आया, फिर ले लीजिएगा। थैंक यू फातिमा, थैंक यू। जी आर वेलकम। तो अभी टाइम हो चुका है सहरी का, तो सब सहरी कर रहे हैं, तो अभी चल कर देते हैं अम्मी को चाय, क्योंकि अम्मी ने अभी सहरी कर ली है। अम्मी ये ले आपकी चाय। जी आर वेलकम। और अम्मी काला की चाय बन रही है, क्योंकि आप चीनी नहीं लेगी ना चाय में, तो इसलिए मैंने कहा पहले पूरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या आज जीत गए हो? सारी में कितना टाइम लगे? सारी में तकरीबन आधा घंटा लगे। शुक्र है, जल्दी सांस तो ले लें पहले। हेलो वाले सर, भाग गया हूँ मैं। क्यों? क्योंकि सारी का टाइम करीब था और बिना रोके ना छठे फ्लोर तक भाग गया हूँ। अम्मी डांट रही थी अभी आपको। अम्मी बाद में डांट देना, पैसे भी कर लो। ये अम्मी को ना मनाने का टेक्निक है। सही है, चलो अभी सही करते हैं, हम सही करके आते हैं, ठीक है? अच्छा जी, ओके जी, लव यू जी, लव यू टू, लव यू टू। चलो चलो जाओ। A few inches later. अच्छा तो जी व्लॉग करेंगे हम यहीं पर एंड, और उम्मीद करेंगे आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। और व्लॉग एंड करने से पहले हम साजिद भाई, कौसर भाभी और सितारा भाई और पूरी फैमिली को न्यू बेबी की बहुत बहुत मुबारक देना चाहेंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे और आने वाले बेबी के नसीब अच्छे करे। आमीन सुम आमीन। मेरी तरफ से मेरे फूफो को, मामू को और आंटी को बहुत बहुत मुबारक हो। और आप सब लोग हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। आमीन सुम आमीन सुमा आमीन। और इसके साथ साथ गाइज आज हमने शॉपिंग स्टार्ट की है, और अभी जो है ना हमने, मैंने और फातिमा ने अपनी स्टार्ट नहीं की, अभी हमने और भी बहुत सारे ढेर सारे गिफ्ट लेने। आज जहाँ गए थे वो सिर्फ लेडीज मार्केट थी, अभी हमने मर्दाना कपड़े भी लेने हैं। तो अब जो है ना कल दोबारा से सेम मार्केट भी जाना है, और इसके अलावा ना मर्दों के कपड़े लेने के लिए भी दूसरी मार्केट जाना है। तो कल का व्लॉग भी जो है ना काफी मजेदार आने वाला है, और इसी तरह बंद रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, खासतौर पर हमें और हमारी फैमिली को। और आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब लोग हम सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहें। और अल्लाह पाक आप सब लोगों को हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। और ईद से पहले हमारे जल्दी से 100 सब्सक्राइबर भी हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो जल्दी से हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।